हमने ये मेडिकल एडवाइजरी कमेटी इसलिए बनाई है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है और इस प्रोफेशनलिज्म को हम वी वर लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे रह रहे थे, इसलिए हमने बहुत से स्टेक होल्डर्स जो मुल्क में है और मुल्क से बाहर है, लाइक वी हैव पीपल डॉक्टर्स हु आर प्रेजेंटली सर्विंग एट द इंटरनेशनल स्टेज इन फुटबॉल, इन क्रिकेट एंड इन रिसर्च एरियाज, वो सर्व कर रहे हैं, वो हमें इनपुट दे रहे हैं ताकि हम अपनी कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज कर सकें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अब कोशिश ये कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड हर जगह के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हैं। इसमें कंकशन भी आ जाती है, इसमें कार्डिक स्क्रीनिंग हमारी नई चीज़ है वो आ जाती है, कार्डिक स्क्रीनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन डोमेस्टिक क्रिकेट। हम मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स इट All the cricket stadiums in Pakistan, वो हम provide करने जा रहे हैं। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में हमें मेडिकल इश्यूज़ बड़े अरसे से आ रहे हैं, हम इसको 20-25 साल से फॉलो कर रहे हैं और हमारी एक ज़रूरत थी कि हम अपनी स्पोर्ट्स मेडिसिन में और क्रिकेट टीम के मॉनिटरिंग में एक प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करें। सो इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम एक सिस्टम बनाएँ, प्रोटोकॉल्स बनाएँ जो कि यंग एज ग्रुप से शुरू हों और हमारी टेस्ट टीम तक जाएं और हमारी विमेन और मेन टीम दोनों को कवर करें और हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई होने से पहले उनको सॉल्व करें रादर देन बाद में उनको एड्रेस करें।